हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ पाया का सूप। ये एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस सूप है और इसे सर्दियों में ज़्यादातर बनाया जाता है। ये जोड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ चार पाए लिए हैं। इसे अच्छे से क्लीन करें। कुकर में एक टीस्पून घी लें। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ क्योंकि देसी घी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मीडियम फ्लेम पर एक बारीक कटी हुई प्याज डालें। यहाँ प्याज को ज़्यादा फ्राई ना करें, थोड़ा हल्का सा भूनें। एक टीस्पून बारीक ग्रेट किया हुआ अदरक डालें, बारीक कटा हुआ एक लहसुन डालकर अच्छे से सौते करें। एक कटी हुई हरी मिर्च, पाव टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून साबित काली मिर्च डालकर अच्छे से हिलाएं। अब पायों को डालकर हल्का सा भूनें। चार ग्लास पानी डालें। एक टीस्पून नमक डालकर चार विजिल हाई फ्लेम पर आने के बाद लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएं और फ्लेम बंद कर दें। प्रेशर जाने के बाद पायों को चेक करें। आप देख सकते हैं पाया अच्छे से गल चुका है। अगर पाया नहीं गला तो और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखें। अब इसको छान लें। फ्लेम को ऑन करके सूप को दोबारा पकाएंगे ताकि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। पाव टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालें। एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। सूप थिक हो चुका है, अब फ्लेम बंद कर दें। डिश आउट कर लें। गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी पाया का सूप पीने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें।